हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू क्विक इज जैन में। फ्रेंड्स, आज मैं तुरई की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाऊंगी, जिसे खा के बच्चे बड़े सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और बच्चे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये तुरई की सब्जी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर तैयार करूँगी चटपटा सा मसाला। तो यहाँ पर मैं डालूँगी टमाटर, यहाँ छोटे साइज के मैंने दो टमाटर लिए हुए हैं। यहाँ पर तीन हरी मिर्च है जो कि सूख कर लाल हो गया है, इसे भी डाल देंगे तोड़ कर इसमें। थोड़े से अदरक है और ये चार पांच लहसुन की कलियाँ हैं, जरा सा दरदरा कुटा हुआ ये काली मिर्च है, यहाँ पे जरा सा हरा धनिया है। और मैं डालूँगी इसमें एक सीक्रेट चीज़, जिससे इसमें सब्जी में हमारे और भी टेस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ डालूँगी एक चम्मच बेसन। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी यम्मी सा बन के तैयार होगा सब्जी। तो इन्हें मैं पीस लेती हूँ, पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें डालूँगी सरसों का तेल। तो सब्जी तो सरसों तेल में ही बहुत टेस्टी बनता है, तो मैं डालूँगी यहाँ पर सरसों का तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच थोड़ा सा हींग जरूर डालिएगा फ्रेंड, हींग का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है इस सब्जी में। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ मैंने प्याज लिया हुआ है, इस तरह से देखिए महीन महीन कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। इसके साथ मैंने एक हरी मिर्च भी लिया था, उसे भी मैंने कट कर दिया था। और प्याज को अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज को भून के ही डालना है, पीस के बिल्कुल मत डालिएगा, ये तो वो टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में। और अच्छे से प्याज की भुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज में हमारा अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी जो मैंने पीस करके रखा हुआ था टमाटर के साथ। इसे मिक्स कर देंगे और यहाँ से मैं ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूँगी, बस ज़रा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे मिक्सी में जो मसाला लगा हुआ उसे धुल कर। तो मैंने यहाँ पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, ताकि मसाले हमारे गले ना। और मैं इसमें नमक डाल दूँगी, नमक डालने से होगा क्या, प्याज अच्छे से गल जाएगा। तो मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया फ्रेंड्स, और मसाले को अच्छे से भुनाई करना है। मसाले जो अच्छे से भुन गए हैं, तो मैं इसमें डालूँगी नेनुआ। नेनुआ फ्रेंड्स हमें एकदम पतले वाले लेने हैं, जिसमें बीए बिल्कुल भी ना हो। मोटे वाले लेंगे तो होगा क्या, उसमें बीए ज़्यादा होंगे तो सब्ज़ी जो है टेस्टी नहीं लगेगा, खाने में बढ़िया नहीं लगेगा, उसमें बीए आ जाएंगे बीच बीच में, कड़े लगेंगे वो। तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नेनुआ लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसे ढक देंगे। अभी थोड़ी देर में ये बहुत सारा पानी, देखिए अभी कुछ ही देर हुआ है नेनुओं ने कितना पानी छोड़ दिया है। आपके इसको क्या बोला जाता है, मेरे यहाँ तो नेनुआ बोला जाता है, कहीं कहीं तुरई बोला जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं डाला था, इसमें कितना सारा पानी हो गया है। तो इसको ढक कर इसी तरह से धीमी आंच पे पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, नेनुआ भी अच्छे से गल गया है और सब मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगी एक चम्मच देसी घी, इससे सब्जी में बहुत अच्छा सा सामने आएगा और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करके थोड़ी देर ढक कर और पका लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बहुत बढ़िया सा साइन आ गया है सब्जी में। तो मैंने एक पनीर का क्यूब्स लिया है, ऐसे इसको ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स वो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, बच्चे पता ही नहीं कर पाएंगे क्यों तुरई की सब्जी खा रहे हैं। ज़रा से इसमें रेड चिल्ली डाल देंगे, देखने में अच्छा लगेगा ये। तो फ्रेंड्स बन के तैयार होगा हमारी तुरई की बहुत ही टेस्टी सी यम्मी सी सब्जी, इसे बच्चों को देंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे वो तुरई की सब्जी खा रहे हैं। फ्रेंड्स रेसिपी अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।